राजपुर मुआफे क्षेत्र में अवैध रूप से जल रही ई कचरा भट्टियों के खिलाफ अन्नदाता किसान यूनियन ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि आज शुक्रवार को अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन के कलेक्टर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया कि ताजपुर माफी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा व मुख्य प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रिजवान से शिकायत की कि ताजपुर में खुलेआम ई कचरा जलाने की भट्टियां चल रही हैं, जिससे निकलने वाले धुएं से पर्यावरण पर प्रदूषण हो रहा है। भट्टियों से उड़ते धुएं से कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, धुएं से लोग काफी परेशान हैं। वहीं ये भी आरोप लगाया कि ई कचरा जलाने पर निकलने वाले धुएं से किसानों की फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से चल रही सभी भट्टियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद कराया जाए। नाम सुखदीप सिंह और पप्पू मास्टर है। इस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय किसान अन्नदाता से। ताजपुर माफी पर सर रोड जो आ रहा है जमा मस्जिद, उस पर ई कचरा की 7-8 भट्टियाँ चल रही हैं, जिसके प्रति जहरीले धुआं से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसकी शिकायत संबंधित थाने पे की थी आपने? जी, हमने कई बार तो इस चीज़ को कह रखा है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। तो आज किससे मिलने आए हैं? मैं हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? और हम चाहते हैं साहब, दूसरा हमारा वो है दलपतपुर उपखंड के विद्युत उपखंड के जो है जेई साहब हैं सचिन कुमार, उन्होंने एक ग्राम पंचायत हटट के रोबिन पुत्र जागन से 5,000 रुपये भी ले लें, उस पर FIR करवा दी। ना कुछ उसकी बिजली चोरी, कोई उसके पास कोई वीडियोग्राफी है, ना कोई फिल्म बनाई। किससे शिकायत करेंगे इन सब? हम जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करेंगे और न्याय की उम्मीद करेंगे।